हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नगीन स्टडीज ऑफ ग्रुप। हियर वी आर अगेन विद अवर न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जैसे सब आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने 25 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को कर लिया था और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले थे जो कि आपकी 3 मार्क्स की होने वाली थी बेटा। तो इस क्लास में हम 26 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप्स और सारे के सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन विदाउट एनी डिले, बिना समय की बर्बादी के, विदाउट एनी डिले हम आज से 26 क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस में क्या क्या दिया गया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली बेटा। प्रोसेस बताना है किसका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का बेटा। इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था बेटा, उसके बारे में बताना है हमें। देखो, गुज़ेप्पे मज़ीनी स्टार्टेड इनिशिएटिव। इन्होंने क्या किया, स्टार्ट इनिशिएटिव। कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि इनिशिएटिव स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, उसका नाम क्या था बेटा, गुज़ेप्पे मज़ीनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। ही फॉर्मड ए सीक्रेट सोसाइटी। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया जिसको क्या बोला गया बेटा, यंग इटली का नाम दिया। किंग विक्टर एमैनुअल सेकंड ट्राई टू यूनिफाई इटालियन स्टेट थ्रू द वार। और किंग विक्टर एमैनुअल सेकंड ने भी ट्राई किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, लेकिन बाय द वॉर के। तो गुज़ेप्पे मज़ीनी कहाँ से रिलेटेड थे, वो सीक्रेट सोसाइटी से रिलेटेड थे, और विक्टर किंग विक्टर एमैनुअल सेकंड किस से रिलेटेड थे बेटा, वो बोर्स वगैरह से रिलेटेड थे। फर्दर, विक्टर एमैनुअल सेकंड वाज सपोर्टेड एंड हेल्प बाय द चीफ मिनिस्टर कैवोर। किसके द्वारा हेल्प किया गया बेटा उनको, चीफ मिनिस्टर कैवोर के द्वारा हेल्प किया गया। और लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बेटा। अब आर्म्ड वॉलंटियर्स किसकी लीडरशिप के अंडर काम किया, गुज़ेप्पे गारिबाल्डी के द्वारा। उसने गारिबाल्डी जिसको बोलते हैं बेटा, उसके द्वारा उन्होंने क्या किया बेटा, लीडरशिप को उसके द्वारा उन्होंने यूनिफिकेशन किया इटली का। तो कभी भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की अगर बात आती है तो उसमें दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, सीक्रेट सोसाइटी और कौन से किंग ने हेल्प की और कौन से किंग ने ट्राइड किया, और जो वॉलंटियर मिलिट्री थी बेटा किसकी लीडरशिप में आगे बढ़ी और सारा काम किया। तो क्या क्या आता है, गुज़ेप्पे मज़ीनी स्टार्टेड इनिशिएटिव को स्टार्ट किया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली को। ही फॉर्मड ए सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया जिसको क्या बोला गया बेटा, कॉल्ड यंग इटली के नाम से जिसको जाना गया। किंग विक्टर एमैनुअल सेकंड ट्राई टू यूनिफाई इटालियन स्टेट थ्रू द वार। उन्होंने किससे हेल्प की बेटा, किससे हेल्प करनी चाहिए बेटा, वॉर के हेल्प से यूनिफिकेशन ऑफ इटली को करना चाहा। फर्दर, विक्टर एमैनुअल सेकंड वाज सपोर्टेड एंड हेल्प बाय द चीफ मिनिस्टर कैवोर। और वो किसकी हेल्प से बेटा, चीफ मिनिस्टर कैवोर जिनका नाम था उन्होंने हेल्प की। और लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुज़ेप्पे गारिबाल्डी के द्वारा क्या की गई बेटा, हेल्प किया गया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बेटा। प्रोसेस बताना है जिसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ उसके बारे में बताना है। द एफर्ट्स ऑफ इंस्टॉलिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन जर्मनी विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस की हेल्प से बेटा ये सारे काम हुए बेटा, पर फेल्ड इन द ईयर 1848 में क्या हो गया बेटा, फेल्ड हो गए। द फेलर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, किसका फेलर बेटा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। Clearly indicate that यह indicate करता था Germany can be unified only with the combined effort of monarchy and the army, कि जो Germany का unification है वो किसकी help से किया जा सकता है, वो combined effort लगेंगे किसके, monarchy के और army को बेटा। दोबारा पढ़ते point को क्या दिया गया है ध्यान से समझना बेटा। The efforts of installing a constitutional monarchy, किसका effort बेटा, install करना किसको, एक किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को जर्मनी में विद द हेल्प ऑफ। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन 2013 एज वेल एज 2012 में भी आया है और ऊपर भी। तो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफर्ट्स ऑफ इंस्टॉलिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन जर्मनी विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो पॉलिटिकल एसोसिएशन की हेल्प से पर फेल्ड बाय ईयर 1848, वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया बेटा ईयर 1848 में। द फेलर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्लियरली इंडिकेट दैट, तो ये फेलियर हुआ बेटा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, इसने क्लियरली इंडिकेट किया दैट जर्मनी कैन बी यूनिफाइड ओनली, जर्मनी का यूनिफिकेशन तभी हो सकता है विद द कंबाइंड एफर्ट लगेंगे जब मोनार्की के और आर्मी के, दैट इज योर पॉइंट नंबर वन। और मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज पर्सिया बिकम द मेन आर्किटेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ, तो क्या बोला,
मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज लेडिड बाय पर्सिया, किसने लीड किया बेटा उसको, पर्सिया ने, एंड देयर वॉज द चीफ मिनिस्टर को पर्सिया कौन थे, ओटो वन बिस्मार्क थे, बिकम द मेन आर्किटेक्ट माना गया है इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, जिनका नाम था ओटो वन बिस्मार्क बेटा। थ्री वार्स वर फॉट विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, किसके साथ लड़े गए बेटा, ऑस्ट्रिया के साथ भी, डेनमार्क के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, अवर सेवन ईयर विच फाइनली एंडेड विद द पर्सियन व्यक्ति के साथ एंड हुए, एंड आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन जर्मनी वाज कंप्लीटेड, और वो जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ बेटा। ये हमने वीडियो में भी पढ़ा था कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि ये एफर्ट इसमें मोनार्की के भी लगेंगे और आर्मी के भी लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉर उसमें होने वाले थे। तो अगर कोई पूछे आपसे, वन मार्क्स में भी पूछता है कि इसके आर्किटेक्ट किसको माना गया है बेटा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो ध्यान रखना चीफ मिनिस्टर थे जो पर्सिया के, ओटो वॉन बिस्मार्क, उनको क्या माना गया है बेटा, उनको इसका आर्किटेक्ट माना गया है, जो कि मेन आर्किटेक्ट थे इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। थ्री वार जिसमें लड़े गए विद ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ, ओवर सेवन ईयर्स में, फाइनली एंडेड विद द पर्सियन विक्ट्री, किसके साथ एंड हुए बेटा, वो पर्सियन की विक्ट्री के साथ वो क्या हुए बेटा, एंड हुए। देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड, और जब पर्सियन की विक्ट्री क्या कर लिया बेटा, वो लड़िया। तो इसमें देखो मेन चीज ये आती है, आर्किटेक्ट कौन थे, किसने लीडरशिप को लिया था, तो लीडरशिप ली गई थी किसके द्वारा बेटा, पर्सिया के द्वारा, और उस टाइम पे पर्सिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे ओटो वॉन बिस्मार्क बेटा, और उनको मेन आर्किटेक्ट माना गया। दूसरा हुआ कैसे, प्रोसेस क्या था, तो थ्री वॉर्स लड़े गए थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 साल में बेटा, और फाइनली एंडेड किसकी विक्ट्री के साथ हुए बेटा, वो पर्सियन की विक्ट्री के साथ हुए, और जिससे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या हुआ था, कंप्लीटेड हुआ था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। हाउ हैड ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस, ब्रिटेन एग्जिस्टेंस में कैसे आया, देखो उसके बारे में पढ़ना, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन। ये जब मैंने आपकी वीडियो में क्लासेस ली थी तो इन तीन क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया था, एक ही वीडियो में करवाया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी, और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन भी, एग्जिस्टेंस में कैसे आया बेटा। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रिटेन का फॉर्म हुआ, स्कॉटलैंड का, और वगैरह वगैरह का क्या सारी बातें थी, मैं आपको बताया था। अभी क्वेश्चंस में भी आए हैं, तो अगर आपको क्वेश्चंस में सब चीजें नई लग रही हैं तो प्लीज पीछे वाली वीडियो को देखिए और उन चीजों को अच्छे से समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं बिल्कुल राइटली। तो इन बातों का ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि एक बार ही पढ़ना है और उसके बाद पूरे चैप्टर को क्लियर कर देना है, और ये तभी क्लियर हो सकता है जब आप एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है बीच में से एक दो क्वेश्चन देख लिया, एक दो वीडियो को, थोड़ा थोड़ा वीडियो को देख लिया, ऐसे नहीं होगा। कंप्लीट वीडियो को देखिए, उसमें जो जो बताया गया सारी वीडियोज को अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए गए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद चाहे कोई भी स्कूल टेस्ट है या कोई भी आपका टेस्ट है या फिर आपके बोर्ड के पेपर्स वगैरह, उसमें आपको कभी भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए कंप्लीट पैकेज है जो चैप्टर का बेटा, वीडियोस हैं, वीडियोस के बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, इनको जरूर कीजिए, उसके साथ ये सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस में कैसे आया। देखिए The formation of Britain और the unification of Britain एक ही बात है, formation of Britain बोलिए या फिर unification of Britain बोलिए, was a result of the long drawn parliamentary process था बेटा ये। Before the 18th century there was no such nation called Britain, 18th century से पहले कोई भी ऐसा nation नहीं था जिसको हम Britain बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे नेशन आया, तो नेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, नेशन की डेफिनेशन चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही दी गई है कि किसी चीज को नेशन कब बोला जाता है, जब क्या हो बेटा उसकी एक रिमार्केबल या उसकी कोई रिमार्क के रूप में कोई बाउंड्री हो और उसके लोगों को इक्वलिटी हो, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशेबिलिटी हो, तो इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं, हम नेशन बोलते हैं। तो नेशन की अगर आप डेफिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर की सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे आपको नेशन के बारे में पता लग जाएगा। अब सेकंड आता है बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन और द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज रिजल्ट इन लॉन्ग ड्रोन पार्लियामेंट्री प्रोसेस था, इट वाज ऑल कंप्राइज बाय द इंग्लिश, इंग्लिश के द्वारा किया गया, वेल्स स्कॉट एंड आयरिश लिव्ड इन द ब्रिटिश आइसल्स में जो रहते थे, ऑल दीज हैड देयर ओन कल्चर और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे बेटा, वेल्स के, स्कॉट के, आयरिश के, सबके क्या थे बेटा, सबके
on culture and political traditions. Gradually, England grew importance due to the rising wealth. अपनी rising wealth के कारण और power के कारण, which resulted in expansion of her influence. उनकी wealth और power के कारण क्या हुआ बेटा? Expansion उनके wealth के कारण, उनके power का expansion हुआ over the other countries in that region. जो उस region की country थे, उनके ऊपर उनका क्या बड़ा influence बढ़ा. In year 1707, when the Act of Union between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain bana, और finally the British nation had its own English culture bana, British ka flag bana, and national anthem bana, और उनकी English की language है. देखो क्या बताया गया पूरे questions में, ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस था, जो वेल्स थे, स्कॉट्स थे और इरिश थे या इंग्लिश थे बेटा, इन सब का ओन कल्चर था, इन सब का ओन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे लेकर. लेकिन जैसे जैसे इंग्लिश की, जैसे इंग्लैंड की पावर बढ़ी, इंपोर्टेंस दी उसने राइजिंग वेल्थ और पावर ने, तो इसने क्या कर लिया, अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, इन्फ्लुएंस ओवर द अदर कंट्रीज के ऊपर जो रीजन की अदर कंट्रीज थी. ईयर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड आया, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की. तो किसमें बेटा, एक 1707 में एक कनेक्शन हुआ, एक यूनियन हुआ किसका, इंग्लैंड का और स्कॉटलैंड का, जिससे फॉर्मेशन किसकी बेटा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई. फाइनली द ब्रिटिश नेशन के इसके खुद का इंग्लिश कल्चर आया, ब्रिटिश फ्लैग आया, नेशनल एंथम आया और उनकी खुद की इंग्लिश लैंग्वेज आई, और हम बोल सकते हैं इस तरीके से ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28. नाउ वी विल रीड क्वेश्चन नंबर 29. Name the female allegory who was invented by artists in 19th century to represent the nation of France. Marine था बेटा, ये आप short question answer में पूछ सकते हैं. इसका नाम क्या था, उसके दो feature बताने बेटा. In the France, the name of the female allegory was Marine. मैंने बताया था ना आपको क्या नाम था, Marine नाम था. The statues of Christian Marine were erected in the public square में लगाए गए, also marked on the coin or stamps के ऊपर भी आए, nationalism की भावना को बढ़ाने के लिए. तो दो फीचर्स थे बेटा फीमेल एलिग्री के, वो क्या क्या थे, ये रिफ्लेक्ट करते थे आइडियाज ऑफ पीपल नेशंस का बेटा, ये रिफ्लेक्ट करते थे आइडियाज ऑफ पीपल के, नेशन के रूप में बनाया जा सकता फ्रांस को एक नेशन के रूप में. इट वाज एक फिगर ऑफ लिबर्टी का था, जिसमें रेड कैप थी और ट्राई कलर और पॉकेट था बेटा. ये कुछ फीचर थे बेटा किसके थे, जो की मरीन थे. तो अगर कोई नाम पूछेगा फीमेल एलिग्री का फ्रांस का, तो आप क्या नाम दोगे बेटा, उसका नाम था मरीन. क्या नाम था, मरियाने बोल सकते हैं, मरीन बोल सकते हो, मारियाने, देखो मारियाने भी बोल सकते हो, मरीन भी बोल सकते हो, नेम है बेटा, उसकी प्रोनंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो. वैसे मारिया को अलग 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 करते हो, तो मारियाने भी बोल सकते हो या मरीन भी बोल सकते हो, मरीन ना भी बोल सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है नाम क्या था बेटा. द स्टैचू ऑफ द क्रिस्टीन मरीन वर एरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वेयर में एंड ऑल्सो मार्क्ड ऑन द कॉइन और स्टैम्प्स के ऊपर. फीचर्स क्या क्या थे उनके फीमेल एलिग्री के बेटा, देखो दिखाया जाता है ना बेटा, जब किसी नेशन के रूप में दिखाया जाता है, किसी सिंबल के रूप में किसी को सिंबलाइज्ड किया जाता है, तो उसको बेटा एलिग्री बोलते हैं. जब पर्सोनिफिकेशन होता है तो ऐसे में उसको फीमेल एलिग्री बोलते हैं. उसके मेन फीचर्स क्या क्या थे, रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ पीपल नेशन का आइडिया था बेटा, इट वॉज द फिगर ऑफ लिबर्टी था, इसके साथ रेड कैप थी, ट्राई कलर था, पॉकेट था. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 29. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30. इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स बेटा, जो रिवोल्यूशन था लिबरल्स का, उसके इम्पैक्ट के बारे में बताना. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे ऑफ 1848 वाले के, जिसको हमने एज ऑफ रिवोल्यूशन भी बोला है, 1830 to 1848 को. तो द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स ऑफ 1848 हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट इन यूरोप पे, ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था. दीज वर क्या क्या इम्पैक्ट थे बेटा, उनके बारे में जानते हैं. मोनार्क वाज एबडिकेटेड, मोनार्क को एबडिकेट कर दिया गया. एबडिकेट का मतलब होता है त्यागना, थ्रोन से हट जाना, थ्रोन को त्याग देना. मोनार्क को एबडिकेटेड किया गया. एंड ए रिपब्लिक वाज फॉर्म्ड, एक रिपब्लिक को बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेल सफरेज इन फ्रांस. और यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब है कि जो लोग थे वहां पे, जो पीपल्स थे बेटा, लोग थे, मेल थे, उनको वोटिंग का अधिकार मिला. और मोनार्क को एबडिकेट कर दिया गया और एक रिपब्लिक को फॉर्म किया गया. Men and women of the liberal middle classes united their demand for the constitutionalism and national unification and wanted to form a nation state for formation की demand आई बेटा on the basis of parliamentary principles के अनुसार. ध्यान से पढ़िए. Men and women of liberal middle class, आदमी और औरतें liberal middle class की united their demands, अपनी demands को united किया for the, अब demand क्या थी बेटा,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन भी होना चाहिए, और वांटेड टू फॉर्म ए नेशनल स्टेट बनाना चाहती थी ऑन द बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के अनुसार। मिडिल क्लास के जो प्रोफेशनल्स थे बेटा, बिजनेसमैन थे, रिच आर्टिजन थे, वेंट टू फ्रैंकफर्ट सिटी गए एंड वोटेड फॉर ऑल जर्मन नेशन असेंबली के लिए वोट किया। एज ए रिजल्ट द फ्रैंकफर्ट असेंबली वाज कन्वेंट एंड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन नेशन वाज ड्राफ्टेड व्हिच वाज हेडेड बाय द मोनार्की सब्जेक्ट। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना बेटा एक जर्मन नेशन का ड्राफ्टेड हुआ व्हिच वाज हेडेड बाय, जिसको हेडेड बाय किया गया मोनार्की सब्जेक्ट के अनुसार बेटा। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे बेटा जो कि यूरोप में पड़े थे। मैं एक बार फिर रिवाइज करवाता हूँ कि ये इम्पैक्ट थे क्या क्या। The monarch was abdicated. Monarch को क्या कर दिया गया बेटा? Abdicated कर दिया गया। A republic was formed on the basis of universal male suffrage. और अधिकार मिला बेटा वोटिंग का किसको? Males को वोटिंग का अधिकार मिला। Men और women ने जो कि liberal middle class थे, उन्होंने अपने demands को क्या कर लिया? United कर लिया। और एक constitutionalism और एक national unification की क्या की? Demand की, और wanted to form a nation state. और एक ऐसे state की form करना चाहते थे जो किसके ऊपर बेस हो? Parliamentary principles के ऊपर बेस हो। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जो थे बेटा, जैसे बिजनेसमैन थे या मिडिल क्लास के क्या थे बेटा, रिच आर्टिसंस थे, वेंट टू फ्रैंकफर्ट सिटी में गए एंड वोटिंग फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए उन्होंने क्या किया? वोट किया। एज ए रिजल्ट द फ्रैंकफर्ट असेंबली वाज कन्वेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एक ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसको हेडेड बाय किया गया एक मोनार्की सब्जेक्ट के द्वारा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। Explain any three beliefs of conservatism that emerged after 1815. इन्हीं three beliefs के बारे में बताना है जो conservatism के थे। Conservatism का जो topic है वो मैंने आपका वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, तो इससे पहले उसको जरूर देखें वीडियो को। And emerged after 1815. देखो, the three beliefs of conservatism that emerged after 1815 were क्या-क्या थे? They believed that the traditional institutions of the state, जो traditional institution है बेटा state के और society के, must be protected. उनको क्या करना चाहिए बेटा? Protected करना चाहिए और preserved करना चाहिए। क्या believe करते थे कि traditional institutions है ना state के जो and society के, उनको क्या करना चाहिए? उनको protected भी करना चाहिए और उनको preserved भी करना चाहिए थे। They had the belief that, उनको ये भी मानते थे, changes brought by the Napoleon and the modernization would definitely strengthen the power of the state. जो changes किए गए हैं Napoleon के द्वारा और modernization में, वो क्या करेंगे? Power को strengthen करेंगे and make it much more effective, उसको ज्यादा effective बनाएंगे। They also believed that, वो ये भी मानते थे कि modern army और efficient bureaucracy और dynamic economy and the abolition of the feudalism and serfdom would surely provide gain to the aristocratic monarchy. फिर आपको क्या करवाएगा? Gain provide करवाएगा। So these are some beliefs which are related to the conservatism. क्या क्या थे एक बार और बता देता हूँ। They believed that, वो ऐसा believe करते थे, traditional institutions, the state, the society must be protected. उनको क्या करना है बेटा? Protected करना है। उनको क्या करना है? Protected करना है and preserved करना है। They held the belief that, उनका एक belief और था, changes brought by the Napoleon and the modernization would definitely strengthen करेंगी power of the state को, किसको? State की power को, and make it much more effective, और ज्यादा effective बनाएगी। दूसरा, उनका ये भी मानना था कि modern army, efficient bureaucracy and dynamic economy and the abolition of the feudalism or serfdom would surely provide gain to the aristocratic monarchy. को क्या करेंगे बेटा? Gain करेंगे, उनकी help करेंगे। ये थे बेटा कुछ beliefs that are by the conservatism emerged after the 1815 के, जो कि आपके A point में, B point में और C point में थे। Now we will move to the question number 32. There are three reforms which are introduced by Napoleon's and the treaties by Carot. जो treaties थी जहाँ पे उसने concord किया था, जिनको, जिन एरियाज को उसने कवर्ड, जिन एरियाज को उसने कन्वर्ट किया था, उन एरियाज को कन्वर्ट करने के बाद नेपोलियन ने एक सिविल कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता था, वो कोड आया था, जिसके अंदर कुछ रिफॉर्म किए गए थे। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि नेपोलियन ने जब अपने जो एरियाज थे, उसके ट्रीटी थी जहाँ पे उसने कन्वर्ट किया था, नेपोलियनिक कोड लेके आया था, सिविल कोड लेके आया था बेटा, उस सिविल कोड के तहत उसका कौन सा ईयर था? 1804 ईयर में आया था बेटा। तो उसके अंदर कौन कौन से रिफॉर्म किए गए थे, उन सब के बारे में देखिए।
Napoleon introduced the civil code in the year 1804 में introduced किया, which was also called as the Napoleon code, जिसको क्या बोला जाता है, Napoleon code भी बोला जाता है. It was introduced in order to abolish the privileges. ये introduce किया in order to abolish करना. Abolish का मतलब होता है खत्म कर देना. Privileges का मतलब होता है benefits, which were based on birth, जो birth के base पर थे. To establish equality before the law, और उन्होंने establish किया equality होनी चाहिए before the law, कानून सबके लिए क्या है बिल्कुल same है. And to give the right of property, और उसने right दिया बेटा किसका, property. He also introduced a system of uniform weight. एक ऐसा system लेके आया जो uniform weight था, क्योंकि पहले weight वगैरह करने में बहुत ज्यादा time खराब हो जाता था और measures. And a system of common currency. और currency भी बहुत तरीके की होती थी. Common currency आई for the nation, which helped the people in trade. जिसने people को help किया trade में भी from one region to another, एक दूसरे region में बेटा. तीसरा, he had the चेंज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट को चेंज किया, एड कम्युनिकेशन को एंड मेड इट मोर एडवांस. उस ट्रांसपोर्ट को कम्युनिकेशन को क्या बनाया, मोर एडवांस बनाया. तो क्वेश्चन में क्या बताया गया बेटा, कि क्वेश्चन को ये बताया गया है कि नेपोलियन कोड 1804 में आया था, जिसको सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है. इस कोड के अंदर उसने सबसे पहले तो जो प्रिविलेजेस थे बर्थ के अनुसार, जो बेनिफिट्स थे जो बर्थ के अनुसार थे, उनको क्या किया बेटा, उसको अबोलिश किया. और जो राइट टू इक्वलिटी को लेकर आया और राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर आया. राइट टू इक्वलिटी क्या होती है, कि कानून के सामने सब बराबर हो. राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आया उसने, नए रिफॉर्म्स लेकर आया, जिसमें बेटा मेजरमेंट्स में नई रिफॉर्म्स आए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता था. और एक नई करेंसी को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसने हेल्प किया लोगों को ट्रेड में भी और उसके कमर्शियलिज्म में भी क्या किया, हेल्प किया. नंबर थ्री, उसने एक और चीज की थी, एक और रिफॉर्म किया था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी क्या बना दिया था, एडवांस बना दिया था. सो दीज आर द सम सिविल कोड चेंजेस व्हिच वर डन बाय द नेपोलियन. एंड आल्सो द सिविल कोड ऑफ 1804 इज आल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता था. और ये कोड वहां वहां अप्लाई किए गए थे जिन ट्रीटीज को नेपोलियन ने कंकर कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बेटा, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन. ऑटो वन बिस्मार्क ने बेटा जर्मन के यूनिफिकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके बारे में बताना है बेटा. एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन. जर्मन के यूनिफिकेशन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, उन कंट्रीब्यूशन के बारे में बताना है बेटा. द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज लेडेड बाई पर्सिया. जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का हम पहले पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा लीड किया गया था, पर्सिया के द्वारा. उसके चीफ मिनिस्टर कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क थे बेटा. बिकम द मेन आर्किटेक्ट थे इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बेटा. अगर आपने जर्मनी का यूनिफिकेशन ऊपर पढ़ा तो वही बात रिपीट होगी बेटा, कि इसको एक तरीके से बता सकते हो कि जर्मनी का यूनिफिकेशन क्या था, तब भी ओटोमान बिस्मार्क का नाम आएगा, या ओटोमान बिस्मार्क ने जर्मन के यूनिफिकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन किया, तब भी वही सेम प्रोसीजर रहेगा. तो सेम सा बताना है. तो उसमें क्या बताना है कि वो क्या थे, मेन आर्किटेक्ट थे इन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में. और द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज टेकन बाय हिम विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी की हेल्प से किया था, एंड ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से. फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड्स ऑफ पीपल कंफ्यूज किया. थ्री वॉर्स वर फोर्ट विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 7 साल में 3 युद्ध लड़े गए, एंड डिफीटेड किया ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस को, विच फाइनली एंडेड विद द पर्शियन विक्ट्री हुई. पर्शियन विक्ट्री के साथ क्या कर दिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या हो गया बेटा, कंप्लीटेड हो गया. तो क्वेश्चन की ना सेंस थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जब लैंग्वेज चेंज करके आएगा तो उसमें कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है. आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो. नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34. लेट्स सी देखिए क्वेश्चन नंबर 34. Explain any three ways in which nationalist feeling were kept alive in Poland in 19th and 18th century. Three ways बताने बेटा, जिसमें हम कह सकते हैं nationalist में feelings थी बेटा, were kept alive रही Poland में 18th और 19th century में, उसके बारे में बताना बेटा. देखो, the three ways of nationalist feelings were kept alive in Poland in 18th and 19th century were as follows. इस तरीके से, the Polish people used their culture, अपने culture का इस्तेमाल करते थे in maintaining and upgrading their national identity को maintain करने के लिए और upgrade करने के लिए, क्या इस्तेमाल करते थे अपने culture को, ये थे Polish people बेटा. For their unity and identity they had used music, अपने identity और unity के लिए किसका इस्तेमाल किया, music का. For example, Karol Kropinski, पहले भी नाम आया है बेटा, was able to develop feeling of nationalist right through the opera, music and folk dances की help से.
दे यूज देयर लैंग्वेज एज नेशनल रेजिस्टेंस इन चर्च गैदरिंग्स में अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे रेजिस्टेंस के रूप में, रुकावट के रूप में, और अदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी निभाते थे। तो क्वेश्चन क्या था पहले उसको देखिए, क्वेश्चन था एक्सप्लेन एनी थ्री वेज बतानी है इन विच नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर कैपिटलाइज्ड, पोलैंड में नेशनलिस्ट की फीलिंग रही। तो क्या क्या थी, सबसे पहले अपने कल्चर का इस्तेमाल करते थे मेंटेनिंग और अपग्रेडिंग करने में नेशनल यूनिटी को, और दूसरा यूनिटी और आइडेंटिटी दे हैड यूज म्यूजिक ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कैरोल करपिंस्की का एग्जाम्पल लिया जिन्होंने एबल टू डेवलप फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट आई थ्रू द ओपेरा म्यूजिक और फोक डांसेस की हेल्प से। दे यूज देयर लैंग्वेज एज नेशनल रेजिस्टेंस के रूप में लैंग्वेज का इस्तेमाल किया चर्च में, गैदरिंग्स में और अदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आगे देखिए, एक्सप्लेन एनी थ्री कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द बाल्कन एरिया आफ्टर 1871। थ्री कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताने बेटा बाल्कन एरिया में आफ्टर 1871 के बाद। आपको पता बाल्कन एरिया कैसे एरिया था जो कि बेटा मेन रीजन बना था वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण, क्योंकि इसके ऊपर सारे जितनी भी पावरफुल कंट्रीज थी सब इसके ऊपर कब्जा करना चाहती थी। तो ये मेन रीजन बना पावरफुल के बीच में लड़ाई का, जिसको हमने नाम दिया वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से उसको नाम दिया गया था। 1871 द मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, इसकी वर्दा कंप्राइज टुगेदर कॉल द बाल्कन, इन सबको एक साथ कंप्राइज टुगेदर करके इसको बाल्कन रीजन बोला जाता था। दैट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट था ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के कारण, इसके कारण बेटा नेशनलिज्म की फीलिंग के कारण। डिफरेंट बाल्कन रीजन वर जीलेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जीलेस थे और ऑलवेज देयर ओन आइडेंटिटी चाहते थे, क्या चाहते थे ओन आइडेंटिटी को चाहते थे। They wanted to gain more territory at the expense of other, और वो territory चाहते थे expand को किसकी help से बेटा, with the at the expense of others के expanding के कारण। तो ये थे बेटा कुछ cause थे conflict के Balkan area में। तो पहले तो आपको बताना है कि area कौन सा था, उसमें आप क्या बताएंगे, रोमानिया था, बल्गेरिया था, अल्बेनिया था, ग्रीस था, बोस्निया हर्जेगोविना था, सर्बिया था, और कंप्राइज टुगेदर कॉल्ड द बाल्कन्स बोला जाता था। दैट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म के कारण, क्या था बेटा उनकी फीलिंग थी एक दूसरे के प्रति क्या थे, जीलस थे और ऑलवेज ऑन देयर आइडेंटिटी उनको चाहिए थी बेटा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो हमारे क्या थे, बिल्कुल मेन रीजन था बेटा किसका, 1971 में उसका क्या था मेन रीजन था कॉन्फ्लिक्ट का बाल्कन एरिया में। आगे देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था हम टोटल पूरे क्वेश्चंस कितने हैं बेटा इसके अंदर, जो है बेटा पूरे क्वेश्चन है इसके अंदर 41, पूरे 41 क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36 बेटा। देखिए, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गजेप मजीनी इन द स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन ग्रो, बेटा उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को बताना है गजेप मजीनी का, जिन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली का भी निर्माण किया था। देखिए, गजेप्पे मजीनी वाज ए ग्रेट इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, ही वाज बोर्न इन जिनोवा में बोर्न हुए बेटा इन ईयर 1807। तो उसकी लाइफ से डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि गजेप्पे मजीनी एक बहुत यंग बहुत ही मतलब फेमस नाम था बेटा जो कि उस टाइम में यूनिफिकेशन ऑफ इटली में काम आया था बेटा। 1807 में उनका जन्म हुआ बेटा। ज्वाइंड ए सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी को ज्वाइन किया बेटा। ही वाज सेंट टू जेल इन ईयर 1831 में जेल भेज दिए गए बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में किसमें थे बेटा, वो रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व थे इसलिए कहाँ भेज दिए गए बेटा, जेल में भेज दिए गए। टू अंडरग्राउंड सोसाइटीज वर फाउंडेड अंडर हिम नेम द यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने। तो यंग उसने दो सोसाइटीज का निर्माण किया फेमस, तो कौन सी थी बेटा, यंग इटली जो कि मार्सिलीज में, और यंग यूरोप का निर्माण किया बेटा कहाँ पे, बर्ने में। अकॉर्डिंग टू मजीनी द गॉड हैड इंटेंडेड द नेशन टू बी द नेचर यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, की गॉड के अनुसार अगर किसको है बेटा नेशंस को नेचुरल यूनिट्स होनी चाहिए मैनकाइंड के बेटा। देयरफॉर इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड स्टेट्स या किंगडम्स, नहीं होने चाहिए बल्कि एक नेशन के रूप में अपनी इटली को देखना चाहते थे। कंजर्वेटिव वर फ्राइटेंड, उनसे डरते थे, विद द मजीनी ओपोजिशन टू द मोनार्की सिस्टम को वो अपोज करते थे, एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी, और जो विजन देखते थे डेमोक्रेसी का इसके कारण बेटा कंजर्वेटिव उनसे क्या करते थे, डरते थे। गुजेप्पे मजीनी वाज ए ग्रेट इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, जिनका जन्म कब हुआ बेटा 1807 में। ही जॉइंड ए सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया बेटा कार्बोनेरी में। ही वाज सेंट टू जेल इन द ईयर 1831 में, कहां भेज दिए गए बेटा, जेल में भेज दिए गए बिकॉज ही वाज इन्वॉल्वड इन ए रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में क्या थे बेटा वो इन्वॉल्व थे। टू अंडरग्राउंड सोसाइटीज को फाउंड किया गया नेम यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्ने में बेटा। अकॉर्डिंग टू मजीनी द गॉड हैड इंटेंडेड द नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड से बेटा।
तो देयर फॉर इटली कुड नॉट कंटेन बिग पैच वर्क ऑफ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड स्टेट्स, नहीं हो सकता, बल्कि वो एक अपने को एक स्टेट के रूप में, एक नेशन के रूप में इटली को देखना चाहते थे, और यही सबसे मेन कारण था कि कंजर्वेटिव थे जो बेटा, तो यहाँ पे मोनार्क थे, मोनार्क सिस्टम को वो अपोज करते थे, इस वजह से डरते थे, क्योंकि उनका आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, उनका फ्राइटेंड थे मंच के अपोजिशन से जो तो मोनार्की के सिस्टम के प्रति डरते थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 3 पॉइंट्स बताने हैं। हाउ आयरलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम, में कैसे इनकॉर्पोरेटेड हुआ 1801 में। देखो द फॉलोइंग वेज थ्रू विच आयरलैंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन ईयर 1801 में कैसे हुआ, उसके बारे में बताना है बेटा। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स वर द टू डिफरेंट रिलीजियस फॉलोअर्स थे आयरलैंड, बेटा ध्यान रखना दो नाम आएगा, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स नाम था बेटा, जो कि दो डिफरेंट रिलीजियस फॉलोअर्स थे। द प्रोटेस्टेंट्स वर सपोर्टेड बाय इंग्लिश, प्रोटेस्टेंट्स को कौन सपोर्ट करते थे, इंग्लिश, टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर द लार्ज कैथोलिक कंट्री थी, जिसके ऊपर डोमिनेंस में कौन हेल्प करता था, इंग्लिश हेल्प करते थे। वही डिवाइड एंड रूल का खेल इन्होंने यहाँ पे भी खेला था बेटा, यूके की जब की बात आती है इसके, यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड कैसे हुआ, तो उन्होंने एक सेक्शन को पकड़ लिया जो कि प्रोटेस्टेंट्स थे बेटा, उनको क्या किया बेटा, उनका डोमिनेंस को अप्लाई करवाया बेटा कहाँ पे, कैथोलिक कंट्री में। कैथोलिक रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ वोल्फ टोने, और जो कैथोलिक ने क्या किया, रिवोल्ट किया, किसके लीडरशिप में बेटा, वोल्फ टोने के अगेंस्ट द डोमिनेंस, बट वर फेल, लेकिन क्या हो गया बेटा, फेल्ड हो गए। डिस्टिंक्टिव कल्चर और लैंग्वेज वाज सप्रेस्ड व्हेन द इंग्लिश नेशन ग्रू इन पावर, तो डिस्टिंक्टिव कल्चर को और लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, सप्रेस्ड किया गया, दबाव बनाया गया, ओपन डाला गया, जब इंग्लिश क्या बन गया बेटा, एक नेशन बन गया जो कि पावर में। द इंग्लिश नेशन प्रमोटेड देयर ओन ब्रिटिश फ्लैग, बेटा इंग्लिश नेशन ने प्रमोट किया खुद के ब्रिटिश फ्लैग को, नेशनल एंथम को, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आयरलैंड क्या हो गया बेटा, इनकॉर्पोरेटेड हो गया किसके अंदर बेटा, यूनाइटेड किंगडम में 1801 में बेटा। देखिए आगे देखो भाई, बात है अगर स्टोरी के तरीके से समझोगे क्या था, दो थे, एक तो कैथोलिक थे बेटा और एक प्रोटेस्टेंट थे, जो दो तरीके थे, दो टाइप के लोग वहां पे रहते थे, जो मेजोरिटी थी वहां पे कैथोलिक कंट्री में कैथोलिक की मेजोरिटी थी, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स थे बेटा वो क्या थे बेटा, उनको डोमिनेंस की पावर दिलाने के लिए इंग्लिश ने उनकी हेल्प की, उनको डोमिनेंस की पावर दिलाई, लेकिन इसके बदले में कैथोलिक ने रिवोल्यूशन किया इसके वोल्फ टोने के उसके लीडरशिप में, लेकिन क्या हो गया बेटा, फेल्ड हो गए, और एक डिस्टिंक्टिव कल्चर और लैंग्वेज को सप्रेस्ड किया गया किसके द्वारा, इंग्लिश नेशन के द्वारा। जब इंग्लिश पावर में गिरे हुए तो उन्होंने खुद की लैंग्वेज, फ्लैग और नेशनल एंथम को वहां पे इम्पोज कर दिया, और इस कैसे आयरलैंड को क्या हो गया बेटा, इनकॉर्पोरेटेड हो गया किसमें, यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेटेड हो गया। एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर ऑफ द नेशन स्टेट, के थ्री फीचर्स बताने हैं दैट एमर्ज इन यूरोप इन द 20th सेंचुरी में आया। थ्री फीचर्स क्या क्या थे बेटा, द थ्री फीचर्स ऑफ द नेशन स्टेट दैट एमर्ज इन द यूरोप इन 20th सेंचुरी वर, देयर वर intense rivalry among the nation due to the expansion of trade and colonies, वहाँ क्या था बेटा, intense rivalries थी किसके बीच में, nations के बीच में, due to expansion of trade and colonies के कारण, disintegration of Ottoman Empire and subject country declared themselves as an independent countries, तो ये क्या थे बेटा, कुछ features थे बेटा nation state के that emerged जो Europe में emerged हुआ था। Question number देखते हैं बेटा आगे, 39, थ्री पिक्चर ऑफ नेपोलियन पोर्ट के, बार बार रिपीट हो रहा क्वेश्चन बेटा, हेल्प किया रिस्टोर मोनार्की को आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी को, डिस्ट्रॉय करके रिस्टोर किया किसको, मोनार्की को, मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रेशनल और एफिशिएंट बनाया, और अबोलिस्ट किया प्रिविलेजेस को बेस्ड ऑन जो बर्थ के ऊपर बेस्ड होते थे, और हेल्प करते थे गेनिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन सब चीजों को क्या करते हैं बेटा, इन चीजों का एंड उन्होंने कर दिया। क्या क्या था, रिस्टोर किया मोनार्की को आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी को, डिस्ट्रॉय करके हेल्प किया मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मोर रेशनल और एफिशिएंट बनाने में, और एबोलिश किया प्रिविलेजेस को बेस्ड ऑन बर्थ, जो प्रिविलेजेस किसके ऊपर बेस्ड थे बेटा, बर्थ के ऊपर, और हेल्प की गेनिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ में गेन करने में। एक्सप्लेन एनी थ्री मेजर इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, के लिए थ्री मेजर्स बनाने हैं बेटा जिसको इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज ने बेटा। देखो द थ्री मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, क्या क्या थे थ्री मेजर्स जो उनके द्वारा अपनाए गए थे बेटा, द आइडिया ऑफ ला पेट्रे एंड ले सिटोइन, वही फादर के रूप में और सिटोइन सिटीजन के रूप में, हेल्प द पीपल एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स, पीपल ने क्या एंजॉय किया बेटा, इक्वलाइज्ड अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बेटा। फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस कर दिया गया फ्रेंच के ट्राइकलर फ्लैग के साथ।
न्यू स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड, न्यू स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, न्यू मॉन्यूमेंट्स वर कंपोज, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड, उनको याद किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्कवरेज इन फ्रांस में उसको डायलेक्ट को डिस्कवरेज किया गया, और फ्रेंच वर डिक्लेयर द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और फ्रेंच को बेटा जो डायलेक्ट होती है ना अपनी बोली होती है बेटा रीजनल की रीजन के अनुसार होती है बेटा उसको डिस्कवरेज किया गया फ्रांस में, और एक फ्रेंच था जो बेटा फ्रेंच को डिक्लेयर कर दिया गया कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन के रूप में। तो यही कुछ 5-3 मेन रीजन बताने थे बेटा, यहाँ पे कुछ अलग अलग बताई गए, ला पेट्रोला से तो नहीं तो आप कर लीजिए इसका एक फादरहुड से, और सिटीजन के रूप में तो पीपल ने एंजॉय किया किसको बेटा इक्वल राइट्स को अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, और फॉर्मल जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था बेटा उसको रिप्लेस कर दिया गया एक फ्रेंच के ट्राई कलर के फ्लैग के साथ, और न्यू स्टेट जनरल को क्या किया गया इलेक्ट किया गया, और न्यू मॉन्यूमेंट्स वर कंपोज्ड, मार्टर्स वर कमेमोरेटेड, मार्टर्स को कमेमोरेटेड का मतलब याद किया गया, और जो रीजनल डायलेक्ट्स थी बेटा उसको डिस्कवरेज्ड किया गया किसमें फ्रांस में, एंड फ्रेंच और फ्रेंच को डिक्लेयर कर दिया गया कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन बेटा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एंड आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड 5 मार्क्स क्वेश्चंस। Describe the brief process by which the British nation came into existence. वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ बेटा, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसको ज्यादा इतने जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इसमें इतना ज्यादा बर्बाद हम नहीं करेंगे बेटा। The formation of Britain or the unification of Britain was a result of a long drawn parliamentary process. था यही हमने पीछे भी पढ़ा था। Before the 18th century, there was no such nation called Britain. 18वीं सदी से 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी ब्रिटेन नाम का नेशन नहीं था। It was all comprised by the English. किसके द्वारा कंप्राइज किया गया था बेटा? इंग्लिश के द्वारा। Wales, Scott, Irish lives in British Isles में रहते थे। All these region had their own culture था, political traditions थे, सबके क्या culture और traditions अलग अलग थे। Gradually England grew in importance में grew किया due to rising wealth के कारण और power के कारण, which resulted in expansion of her influence में क्या हुआ बेटा? Expansion हुआ और the other countries में और regions में। Year 1707 में Act of Union between England और Scotland में रिजल्ट से किसकी फॉर्मेशन में बेटा? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की फॉर्मेशन हुई, और फाइनली द ब्रिटिश नेशन हैड इट्स ओन इंग्लिश कल्चर आ गया, ब्रिटिश फ्लैग आ गया, नेशनल एंथम आ गया, और इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट हुआ है क्योंकि मैंने आपको पीछे अच्छी तरीके से समझाया था, और अगर आपने वीडियो देखे हो तो वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड भी ब्रिटेन का पार्ट कैसे बने थे और किस तरीके से ग्रेट किंगडम ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन की निर्माण हुआ था उसकी फॉर्मेशन हुई थी। सो दैट विल बी ऑल, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो आज हमने जो क्वेश्चन किए बेटा 25 to 41 क्वेश्चन हमने आज किस वीडियो में किए हैं, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में बेटा अगले वाले वीडियो में हम 42 से लेकर आपके 52 तक, 42 से 52 तक कितने क्वेश्चंस हैं बेटा? ये 20 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करेंगे और ये सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बावजूद अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो जिसको मैं दोबारा होना चाहिए तो सिर्फ उसका नंबर आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए कि क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, उसको मैं दोबारा आपका बिल्कुल आसानी से करवा दूंगा। आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से वीडियो को देखेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, और आपके जो पिछले मैंने वीडियोस बनाए हैं चैप्टर से रिलेटेड बेटा उनको जरूर देखिए, उनको देखने के बाद ये क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन के लिए बच जाएंगे, बाकी सारे कंसेप्ट आपके उन वीडियोस से ही क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।